कोहनियां थोड़ी शरीर के साथ नीचे की ओर, सबसे छोटी उंगली को देखें, दाएं पांव बड़े हैं उसको देखें, सबसे छोटे उंगली लेडी फिंगर को देखें, उच्च रक्तचाप के रोगियों दोनों हाथों की ग्रिप में ले लें, बहुत बढ़िया, अब श्वास भरें, भरिए श्वास, अब पेट को अच्छी प्रकार घुटने से दबाएं, दाएं कंधे को देखें, हिलना नहीं, सोना नहीं, सिर्फ आपने ध्यान करना और वहां ध्यान को ले जाना, ये बहुत ही बढ़िया आसन है, अनावश्यक पेट की चर्बी इससे कम होती है। मेयर साहब का भी ये आसन बहुत बढ़िया लगा हुआ है। अब गर्दन आपने पीछे रखनी, गर्दन को आगे नहीं लाना, गर्दन पीछे रहेगी, एक एक गोटी को से श्वास को बाहर निकालिए, वाइब्रेशन आपके में हो रही है, करते जाइए, फिर श्वास को भरना और फिर करना। आज चूंकि इंटरनेशनल योग दिवस है और हमारे देश के बड़े ही यशस्वी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले टेन्योर में इसको यूएनओ में 170 से अधिक देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है और तब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, इंटरनेशनल योग दिन हो गया और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिन हैं, वुमेन्स डे है, कैंसर डे, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिन बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो योग का दिन हुआ है आज आप देखेंगे शाम तक आपके ध्यान में आएगा कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसको प्रैक्टिस किया होगा, हर पार्क में हर जगह पर लोग इकट्ठे आए होंगे और उन्होंने योग किया है। योग का मतलब है कि आदमी स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, आदमी रोज़ योग करें, इसमें हमारी बॉडी की, हमारे मसल्स की, हमारे बोन्स की जो एक्सरसाइज होती है उससे हमारा शरीर अच्छा रहता है। आज हमने इस कश्मीर वादी में भी, जो हमारी सुंदर वादी है, इस वादी में भी आज इस पार्क में हमारे सब लोगों ने मिलकर इस योग को किया है। हमारे जम्मू से हमारे मेयर साहब आए थे, उन्होंने भी इसमें भाग लिया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं सब लोगों को, सारे विश्व के लोगों को बधाई देता हूँ और यही उनसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको हम जितना और अच्छा करेंगे, हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे।